गाइस आपका स्वागत है हमारी इडी क्लू मीडियम में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया का BY-MM1 माइक का, जो इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी को आपको चेक करके बताते हैं कि कैसा लग रहा है। इस समय जो मैं अपने ब्लॉगिंग का जो ऑडियो है रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे अभी जो वीडियो आप रिकॉर्ड हो रहा है, वो नॉर्मली मैं हेडफोन की माइक से यूज करता हूँ, जो ये हमारी ये रही, इससे मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने अपनी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बोया का BY-MM1 जो मंगाया है, हम उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और उसकी साउंड क्वालिटी को भी टेस्ट कराएंगे कि आपको कैसा लगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा। आप जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको ज़रूर डिफरेंस आएगा और आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। ये जो बोया का BY-MM1 माइक है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जिसको परचेज करना हो वहां से परचेज कर सकता है। ये हमारी रही बोया का BY-MM1 माइक, अब इनकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। और एक गाइस, ये इसको देखते हैं तो बचपन की याद आती है, जो बचपन में जो इसकी दबाने का जो आवाज़ आती थी, जो मज़ा आता था, हमेशा रैपर दिया रहता था, किसी न किसी कपड़े में दिया रहता था, शूज वूज में दिया रहता था। अब इसको करते हैं साइड में। जो हमारी असली मटेरियल है वो ये है, बोया का BY-MM1 जो यूनिवर्सल कार्डियो माइक्रोफोन है, और जिसका जो कंपैक्टेबल विथ है स्मार्टफोन, मैकब्रो कैमरा और टैब से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वीडियो को ना बढ़ाते हुए इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें हमारे दिया गया कुछ यूज टेम्पलेट्स हैं, इसको करते हैं साइड में। और हमारी ये कुछ कनेक्टेड केबल है और हमारी शॉक हुक है, जो हम ब्लॉगिंग के लिए इसमें माइक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर रखकर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमारी कैरिंग बैग है और ये हमारी रही माइक। और जो ये दिया है, ये फेदर है जो फिल्टर का यूज़ करता है, जो बाहर की नॉइस होती है, जो फालतू नॉइस होती है, उसको फिल्टर करते हैं, एकदम क्लियर साउंड इफेक्ट देता है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा हमारी बोया का माइक, जो इस पर लिखा है BY-MM1। और हमारी ये दो रही ऑफ केबल, जो आप स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये पीसी के लिए कनेक्टेड है या कैमरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसी के लिए दिया गया है। और ये हमारी रही जो फिल्टर का काम करती है। सो गाइज, बोया BY-MM1 का माइक यूज मेनली लोग ब्लॉगिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत से लोग इसके स्टूडियो के लिए यूज़ करते हैं, जो स्टूडियो माइक होते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। आप देर न करते हुए इसकी माइक की टेस्टिंग करते हैं और साउंड क्वालिटी को आपको दिखाते हैं कैसा है इसकी साउंड क्वालिटी। सो गाइज, आप देख सकते हैं हमने माइक को कर दिया सेट, और जो पिछली आवाज़ थी वो नॉर्मल माइक्रोफोन मतलब हेडफोन की माइक की आवाज़ थी। अब जो इस समय साउंड क्वालिटी हमारे देख रहे होंगे, ये हमारी बोया BY-MM1 की माइक की साउंड क्वालिटी है। आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा कि क्या डिफरेंस, और इस माइक की साउंड क्वालिटी का जो डिफरेंस है, आने वाले अगले ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा। और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आप उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसे। अगर जिसको भी ये प्रोडक्ट परचेज करना है, वो हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और इसकी साउंड क्वालिटी कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी ये माइक मतलब यूज करना चाहता है अपने फ़ोन के लिए, तो उसके लिए एक ट्राइपॉड ज़रूर ले। हमने भी एक ट्राइपॉड लिया है, उसका वीडियो नेक्स्ट मेरे चैनल पर अपलोड। एंड अगर इस आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।